नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपगढ़ ज्योति चैनल में, आपके साथ प्रियंका। बीच बायला से हमारे संवाददाता प्रदीप अरोड़ा ने बताया कि बीच बायला में लॉकडाउन के बीच किसानों को राहत देते हुए धान मंडी में खरीद शुरू कर दी है। इस मौके पर विधायक गुरमीत कुनर ने पूजा अर्चना कर खरीद का शुभारंभ किया। खरीद शुरू होने के बाद विधायक ने मंडी का जायजा लिया और किसानों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए अपील की। इस मौके पर SDM सुभाष कुमार, थानाधिकारी करतार सिंह, नायब तहसीलदार और व्यापारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की उपज का एक एक दाने की खरीद हो, जिसे लेकर हर दिन व्यवस्थाओं का जायजा लेने को लेकर कहा गया है, ताकि महामारी के बीच किसान नियमों का पालन कर सके। उन्होंने किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से अपील की कि वे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाए रखें। पूर्व मंत्री ने बताया कि जल्द ही सरसों और चना तथा गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद भी मंडियों में सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर किसानों से उनकी पूरी उपज खरीदी जा सके। विधायक गुरमीत कुनर ने कहा, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस संकट की घड़ी में किसान के साथ सरकार खड़ी है।